हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से आपकी अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसी आपकी निकली हुई है। इनमें आपका ग्रुप सी से लेके आपका ग्रुप बी तक की आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। अभी मैं आपको पूरी डिटेल्स के बारे में बताऊँगा, क्या क्या एग्जाम पैटर्न आपका इसका रहेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी है। तो फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको और भी ऐसी अपडेट्स आपको मिलती हैं वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर एक सब्सक्राइबर हमारे, उन्होंने ये PDF मुझे भेजा हुआ है और मैंने इसको चेक भी किया। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं, ये जो वैकेंसी आपकी निकली हुई है एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2022 के अंतर्गत आपकी निकली हुई है, और ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के आपके अंडर में आपकी जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वो आपकी आती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं आपकी कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर एक डायरेक्टर लीगल की वैकेंसी है लेवल 12 की, तो इवन ग्रेड ए की भी वैकेंसी आपकी निकली हुई है, जिसकी टोटल वैकेंसी एक है। मैक्सिमम एक लिमिट 56 ईयर्स आपकी है। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग, तो इनके सबकी एज लिमिट 35 है। वैकेंसी आपकी टोटल एक एक ऐसे करके हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अलावा ग्रुप बी पोस्ट की, तो इसमें आपकी पर्सनल असिस्टेंट लेवल 6 की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, असिस्टेंट है कंप्यूटर एडेड डिजाइन की, और ये तीनों आपकी लेवल 6 की आपकी पोस्ट है और इनकी एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स है। और यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट में 28 पोस्ट हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में आपकी 47 है, और असिस्टेंट में आपकी टोटल दो आपकी वैकेंसी है। ग्रुप सी की अगर हम बात करें, तो स्टेनोग्राफर में आपकी एज लिमिट है आपकी 27 ईयर्स, लेवल आपका 4 का है, आपकी 22 वैकेंसी है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में 27 ईयर्स आपकी है, टोटल 100 वैकेंसी आपकी है, लेवल 4 है। एक चीज़ ध्यान रखें कि स्टेनोग्राफर के लिए आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आपकी अलग से टाइपिंग टेस्ट भी कराया जाएगा। फिर हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की आपकी लेवल 2 की पोस्ट है, और इसमें आपका 27 ईयर्स है एक आपकी पोस्ट है। अब यहाँ पे इसके अलावा आपका अलग से जिसके पास अलग अलग आपका डिग्री है या अलग अलग डिप्लोमा वगैरह किया हो, उनके लिए भी अलग से, जैसे लेबोरेटरी टेक्निकल पोस्ट के लिए आपका अगर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है लेबोरेटरी वाले में, इसमें आपका सर्टिफिकेट जरूरी होगा। लेवल 6 की पोस्ट है, 47 वैकेंसी है, और आपका अलग अलग जिस हिसाब से आपका जो डिसिप्लिन में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली भी आपकी नीचे आपको वैकेंसी जो है वो आपको दे दी गई। यहाँ पे जैसे फिटर एडिटर की भी आपकी है, इलेक्ट्रिशियन की भी आपकी है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि आपका क्या क्या डिग्री आपके लिए चाहिए होती, तो असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आप सभी पता कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या मास्टर डिग्री चाहिए होती है, इसके अलग से भी आपका एक्सपीरियंस आपका होता है, ठीक है। एक बार इस PDF को देख लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, उस ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपका सारे क्राइटेरिया मिल जाएंगे। फिर भी मैं एक मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपका क्या है कि आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होना चाहिए, और सॉल्टेंट आपकी हिंदी या इंग्लिश में आपकी ओवरऑल होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपका टाइम भी पूरा लिखा हुआ है किस किस तरीके से, और किस तरीके से आपका परसेंटेज ऑफ रिलैक्सेशन है जो आपका यहाँ पर दिया गया। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपका बैचलर डिग्री अलग से होनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपका जो है वो आपका कहीं ना कहीं मतलब होना चाहिए, मतलब मेन भी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में आपका कोई डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए, और ये जो है वो पूरा क्वालिफाइंग नेचर है। बाकी इसके अलावा मैं अलग से भी मैं आपको कुछ भी अगर लगता है तो मैं बता दूँगा। स्टेनोग्राफर के लिए भी यहाँ बैचलर डिग्री मांगी गई है, कई जगह एग्जाम में आपका 10+2 भी मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका बैचलर डिग्री आपकी मिनिमम मांगी गई है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई क्या क्या आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर की आपकी पोस्ट है, उनके लिए आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका नीचे दिया गया कि भाई इसमें रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, क्वांट आएगी, और इसके अलावा जो जिस फील्ड में आपका असिस्टेंट डायरेक्टर, उस फील्ड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। जैसे हिंदी का है तो हिंदी से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जैसे CCS कंडक्ट रूल, इसके बाद आपका मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स में आपके उससे रिलेटेड आएंगे। ये अलग से आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जिस हिसाब से टाइम दिया गया, तो आप ये ध्यान दें कि पहले 30 मिनट्स की आपकी रीजनिंग आएगी, फिर 30 मिनट्स की इंग्लिश लैंग्वेज, इस तरीके से आपका आएगा, और पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के, 2 घंटे में आपका पूरा करना होगा, लेकिन एक एक करके आपका पूरा पेपर आएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी या और भी कई अलग से असिस्टेंट या टेक्नीशियन, उनके लिए आपका क्या एग्जाम पैटर्न है। तो यहाँ पर सेम 4 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट आपके पूरे सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 4th है वो आपका ट्रेड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके आएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे अलग अलग ट्रेड में, जिस ट्रेड में आपने किया उसी ट्रेड का ही आपका एग्जाम होगा, और उसमें 50 क्वेश्चन आपके उसी ट्रेड से ही आएंगे। पेपर पैटर्न आपका 150 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है, और 120 मिनट्स, 2 घंटे का पूरा टाइम रहेगा, पेपर बाइलिंगुअल होगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और दे दी गई है
कि जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने 50% मार्क्स जो हैं वो उनको कौन कौन डिसिप्लिन में हर हाल में उनके होने चाहिए, और साथ ही साथ 50% आपके एग्रीगेट आपके होने चाहिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। मतलब आप ये चीज़ नहीं समझे, मतलब इसका ये है कि जो आपका चौथा सब्जेक्ट है ठीक है, उसमें आपके ओवरऑल 50% के ऊपर मार्क्स हर हाल में होने चाहिए, और ओवरऑल जो आपका है कट ऑफ उसमें कम से कम 150 में आपके फिर 75 मार्क्स तो आपके ओवरऑल आने ही आने चाहिए, चाहे आप जो कुछ भी कर लें। लेकिन जो 50% वो सेक्शनल नहीं, सिर्फ स्पेशल जो कौन कौन डिसिप्लिन वाला सब्जेक्ट है उसके लिए आपका रखा हुआ है। अगर हम बात करें आपका ASO पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर, सीनियर सेक्रेटरियट असिस्टेंट का, तो इसमें आपका नॉर्मल पैटर्न है, टोटल चार आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, इंग्लिश, क्वांट, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। टोटल 150 मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपका रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा ठीक है, और यहाँ पर भी आपका सिक्वेंस वाइज आपका आएगा। तो इसमें आपका कोई भी एडिशनल कोई भी ट्रेड वगैरह कुछ नहीं मांगा गया है, नॉर्मल जो एग्जाम पैटर्न आपका रहता है सेम उसी तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें आपका एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का पूरा क्राइटेरिया आपको नीचे दिया गया है ठीक है। तो एक बार मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरी एक बार नोटिस पढ़ लेता हूँ ठीक है, अभी हालांकि मैंने मेन पढ़ लिया है, इसके अलावा एडिशनली कुछ ऐसा अलग अलग पोस्ट में रहता है तो मैं आपको इस चैनल पे बताता रहूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे आपको कट ऑफ वगैरह प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में भी आपको अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये कब से आपका अप्लाई हो रहा है, तो 19 अप्रैल से ये फॉर्म जो है वो आपको अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। इन 5 दिनों में मैं आपको सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ, 5 दिन नहीं मतलब 3-4 दिन में सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें रहती है, क्या कट ऑफ रहती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। मैं इस वजह से बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी फिर आप चीज़ें नहीं समझ पाओगे, जिससे आपको इस वैकेंसी से पहले आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तभी आपको ये पता लग सकता है कि मुझे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है। ओके, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। बाकी इस PDF के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके।